इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुरीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। कला में ढली हुई, चाहे उसका एक्सप्रेशन कैसा भी हो, वो हमेशा ताजा रहती है। उसे वक्त और जमाना कैद नहीं कर सकता। वक्त का पहिया चलता जाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए। वक्त का पहिया चलता जाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। कपैया चलता जाए, वक्त कपैया चलता जाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए। ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है मेरा। इस गाने की धुन मैंने 18 साल पहले बनाई थी, मगर कभी कोई ढंग की सिचुएशन न मिली। का
शोर शराबा तो आजकल दुनिया में होता ही रहता है, आप जिस तरफ जाएं शोर ही शोर है। कहीं बसें हैं, कहीं गाड़ियां हैं, कहीं लोग हैं, कहीं मारपीट है, तो इनसे आजकल दूर भागना बड़ा मुश्किल सा मालूम होता है। मेरे दिल ना सका, मुझे क्या है खबर अब होगा आगे क्या। मेरे दिल ना सका, रही है जमीन से। हाँ ये कौन जा रहा है बता सजा, जो गया मैं कहीं से। हाँ सजा रही है जमीन से। हाँ ये कौन जा रहा है बता सजा, जो हवा आजियो गा रही है, क्यों फिजा रंग छलका रही है। मेरे दिल बता आज होना है क्या, जो गया मैं कहीं से। गा रही जहाँ तक भी जाए निगाहें, बरसते हैं जैसे उजाले। सजी आज क्यों है ये राहें, खिले फूल क्यों निराले। जो गया मैं कहीं से, आ रही है कहीं से। हाँ ये कौन जा रहा है बता सजा, जो गया मैं कहीं से। गा रही ने कुछ फनकार को ज्यादा ही जज्बाती बनाया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, दर्द भरा गाना है, लेकिन दर्द भी तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, इसे इंसान कब तक दूर भाग सकता है। Thank you.
जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं। मदन जी, अगर आज आप यहां होते तो बात कुछ और ही बनती है। मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं आपकी जिंदगी में आपके साथ काम करता। मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी इन सब धुने अब मेरे लिए छोड़ जाएंगे, जो कि मेरी पिक्चर में बहुत बहुत फिट बैठती है। मेरी इतनी डिफरेंट सिचुएशन है, दर्द भी है, रोमांटिक भी है, देश के गाने भी हैं, कव्वाली भी है, लोड़ी भी है। तो सिर्फ संजोग की बात है कि भगवान ने इस धुने मेरे लिए रखी थी। 30 साल के बाद आपका म्यूजिक लता दीदी की आवाज का मिश्रण एक इतिहास है, और इस इतिहास का मैं एक पात्र हूं। मुझे यही बहुत खुशी है। बस मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो और हमारी ये कोशिश कामयाब हो। कैसा लग रहा है? तेरे कुर्बान जावा, तेरी मर्जी जान जावा, तो हर बात मान जावा तेरी सोनिए। ओए 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 तेरे कुर्बान जावा। खूब पहचान दिया, मिलना जो मुझको है तुझको, सुन ले कुछ गल्ला मेरिया। Oh, yeah.
है ये तेरी ध्यान रखांगा, आज पी लूं बूंद कल से मैं न चखांगा। अब शाम होगी तो सीधे घर जाएंगे, हाँ तेरे कुर्बान जामा। अगला गाना जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो मेरे स्टाइल से लोग कहते हैं जरा हटके है, लेकिन मैं जानता हूँ कि स्टाइल म्यूजिक का किसी किस्म का हो, अगर उसमें जज्बात का थोड़ा सा भी हिस्सा हो तो बहुत खूबसूरत मालूम होता है। करेक्ट, कैसे कैसे गाने मैंने आपके साथ गाए हैं जो आज तक कोई भी संगीत प्रेमी भूल नहीं पाया है। हम सब ने कोशिश की है कि जो बहुत सारी धुनें आप छोड़ गए थे उन्हें रिकॉर्ड करें और आपकी याद ताजा करें। इनमें से तो कई धुनें मैंने आपके सामने बैठ के सुनी थी जो आज आपके जाने के 30 साल बाद गा रही हूं। मदन भैया, आज जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूं तो यूं लगता है कि आप मेरे पास खड़े हैं और मुझे गाना सिखा रहे हैं। Thank you.
लिपट जा लिपट जा झुकती गाने थे जो मैंने आपके सामने आज पेश किए, और मैं समझता हूँ कि सुर जो है वो एक भगवान की देन है। उसको पेश करना, उसको सुनना, उसको अपनाना, ये कुदरती चीज है जो कि इंसान सीखता नहीं, जो महसूस करता है। आपसे इजाजत चाहता हूँ, भगवान ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए। नमस्ते।